फ्यूजन फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और फ्यूजन फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मावा बर्फी या फिर खोए की बर्फी बनाने की रेसिपी दूंगी, जिसको कि आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसको बनाना काफ़ी आसान होता है और जब भी आपके घर गेस्ट आने वाले हों, आप एक दिन पहले इस बर्फी को बनाकर रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा खोया या मावा, ये 200 ग्राम खोया है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा 6 टेबलस्पून शक्कर, इलायची पाउडर, काजू, महीन कटे काजू, महीन कटे पिस्ते और महीन कटे बादाम। बर्फी जमाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक बॉक्स, जिसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर लगा लिया है, जिससे कि बर्फी को निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई को लो फ्लेम पर लगाएंगे और अब हम ये खोवा लेंगे और हाथ से इसको इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे। आप यहाँ पर खोए को घिसकर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। आप इसको हल्का सा इस तरह से दबा कर भूनें। ये देखिए, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये हल्का सा गीला सा होने लगा है। क्योंकि आज मैं बाज़ार का खोया यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब घी डाल रही हूँ। अगर आप घर का खोया यूज़ करेंगे तो आपको घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे और भूनेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये गीला होना शुरू हो गया है और ये काफ़ी मेल्टेड सा दिखेगा आपको। आप इसको जैसे जैसे भूनते जाएंगे ये मेल्ट होता जाएगा। मैं खोए को ऑलमोस्ट 4 मिनट से भून रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस टाइम हम इसमें शक्कर डालेंगे और इसको चलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर आपको खोए को नॉनस्टॉप चलाते हुए भूनना पड़ेगा, नहीं तो कढ़ाई में लग सकता है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से बबल्स आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि शक्कर पिघल रही है और जो शक्कर में से पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है और बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है। हमें इसको जब तक भूनना है जब तक कि इसमें हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा और ये कढ़ाई को साइड से छोड़ने लगेगा। ये देखिए, अब ये काफ़ी भुन चुका है। इस टाइम पर हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक और भुनेंगे। ये देखिए, भुनकर तैयार है। अब हम इसको हटा देंगे आँच से और अब हम इसको इस बटर पेपर लगे हुए डब्बे में डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह का पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल सी स्टील की प्लेट लें, उसको अच्छे से घी से ग्रीस करें और ये मिक्सचर उस पर डाल दें। और अब हम इसको फैला लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एकसार कर देंगे। हम इसके साइड्स भी एक से कर देंगे, जिससे कि बर्फी का शेप अच्छा आएगा। और अब हम इसके ऊपर ये कटे हुए नट्स डाल देंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्के से हम स्पैटुला से दबा देंगे, जिससे कि नट्स बर्फी के ऊपर चिपक जाए। और अब हम इसको 4 से 6 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अब करीब 6 घंटे हो गए हैं और बर्फी बिल्कुल ठंडी हो गई है। हम इसको निकाल लेंगे और आइए अब इसको कट करते हैं। इसको मैं बीच से काटूंगी और अब मैं इसको इस तरह से काट दूंगी। आप बड़े या छोटे साइज़ की बर्फियाँ अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए, ये बर्फी देखने में कितनी सुंदर दिख रही है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर यहाँ पर मेरे पास ये चांदी का वर्क है, मैं इसको थोड़े से चांदी के वर्क से सजा दूंगी, जिससे ये देखने में और भी खूबसूरत लगेगी। आपने देखा इस बर्फी को बनाना कितना आसान है। इसको ठंडा करने में ही टाइम लगता है, अदरवाइज ये बर्फी आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। आप ये बर्फी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।